हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आई एम शिफाली यर और ये चैनल हेल्थ के ऊपर होने वाला है और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी कि शुगर या फिर डायबिटीज़ होता क्या है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, हमारे बॉडी में एक ग्लूकोज होता है जो उसका लेवल बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अगर डिसबैलेंस हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, या जैसे कि अगर हम नहीं खाएंगे ठीक से तो उसकी लेवल कम हो जाएगी और एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो शुगर का कम होना ना ज़्यादा होना, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है हमारी बॉडी के लिए। तो हमें शुगर का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। इसके कॉजेज क्या हैं, ये क्यों होता है, कॉजेज है इसके, जैसे कि एज फैक्टर हो गया। एज फैक्टर आज की डेट में नंबर वन है, क्योंकि 30-40 एज होती है, आजकल इतनी बीमारियाँ आ गई हैं कि थायराइड, शुगर और किडनी की प्रॉब्लम, ये सब नॉर्मल हो गया है आजकल की डेट में। सेकंड आता है ओवरवेट, खाने पे आपका कंट्रोल नहीं है, खाने की वजह से आप इतना ज़्यादा खाते हैं कि आपका वेट इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से शुगर हो जाता है। तम्बाकू, जो लोग तम्बाकू खाते हैं उसकी वजह से वो हार्म करता है बॉडी को, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, आगे जाके पर्सन को बहुत सफ़र करना पड़ता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं इसके जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ गया, या फिर आपको बार बार आप वॉशरूम जा रहे हो और एकदम से आपको चक्कर आ गया है और आपका आँखों में आपको धुंधलापन दिख रहा है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ के, क्योंकि इसमें आँखों पे, किडनी पे और हमारे हर चीज़ पे बहुत इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में सब कुछ नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी में कुछ भी नॉर्मल नहीं रहेगा तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एक चीज़ भी ख़राब हो जाती है तो पूरे वो सिस्टम को ख़राब कर देती है। तो इसलिए छोटी से छोटी गलती हमारे को बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए हमें अपनी हेल्थ पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपनी हेल्थ को सेल्फ कॉन्शियस रखना है और अपने आप को फिट रखना है। अगर हम फिजिकली मेंटली फिट नहीं रहेंगे तो हम अपने जीवन में काम कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आई हूँ और मैं शेयर करना चाहती हूँ, लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें क्यों होती है, कैसे होती है और आप इसको कैसे अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं। अब ये इससे हम कैसे बच सकते हैं, आपको अपनी डाइट पे सबसे पहले ध्यान रखना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको बाहर का जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब बहुत ही नॉर्मली मतलब कम करना है। खाओ आप जिनको शुगर नहीं है, मगर लिमिट से खाओ, इतना मत खाओ कि आपको वो चीज़ हार्म करे। घर का खाना बना खाओ, अगर जो मन बाहर से खाने का तो आप घर से भी खा सकते हो। और इसमें आपको एक्सरसाइजेस करनी है, आप रोज़ डेली अपना मॉर्निंग वॉक पे जाइए, एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए और बहुत अच्छा आपकी मेडिटेशन होगा, इसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो ये आप कर सकते हैं। थर्ड चीज़ आती है कि आप तम्बाकू ना खाएं, क्योंकि वो स्पेशली वो तो हार्मफुल है ही, तो जो लोग खाते हैं तो वो प्लीज़ ना खाएं, क्योंकि ये बॉडी को हार्म करता है। और आपको और भी चीज़ें हैं आपको बहुत अपनी लाइफ में मेंटेन रखनी होती है। अब जिनको शुगर है उनके लिए स्पेशली मैं बताना चाहूँगी कि जिनको शुगर है उनको भी डाइट का खास ध्यान रखना चाहिए। आप क्या क्या फ्रूट खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते, आप लोग पपाया खा सकते हैं, आप लोग आंवला खा सकते हैं, आप लोग जिसमें कम शुगर होता है वो वाले फ्रूट्स आप खा सकते हैं। और आप जो फ्रूट्स नहीं खा सकते, केला हो गया और केला हो गया और इसमें आपका आम हो गया, आम में भी बहुत मीठा होता है, वो भी आप ना ही लीजिए। मिठाइयाँ हो गई, वो भी आप ना ही खाइए। और आप अंडे का पीला भाग मत खाइए, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपका इसका ट्रीटमेंट जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिनको शुगर है उनको स्पेशली एक ग्लूकोमीटर मशीन आती है, वो आप अपने घर में ज़रूर ला के रखिए। उससे आप अपना खाली पेट शुगर नापिए, खाना खाने के बाद नापिए। अगर आपका खाली पेट 100 से ज़्यादा आ रहा है तो वो ठीक नहीं है, इसका मतलब आपको शुगर है, वो शुगर मेंटेन होना चाहिए। और पोस्ट लंच और पोस्ट डिनर का 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो और अपना रेगुलर डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट कराइए, जो उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है उसको आप एक दिन भी लेना ना भूलिए। आप अपनी मेडिसिन टाइम पर लीजिए, वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, मीठे से मीठा कम खाइए और
आप अपने अच्छे से रहिए, ताकि आपको अगर शुगर है भी तो आप इसको कंट्रोल रख सकें। और बाहर का तो बिल्कुल नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल नहीं पीनी, जंक फूड तो बिल्कुल नहीं खाना है इसमें। तो आप इसको मॉनिटर कर सकते हो और अपने लाइफ को अच्छे से बना सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।